हेलो फ्रेंड, हाय नमस्ते। तो मैं आज ना चावल की बिरयानी बनाने की, मतलब बिरयानी नहीं, जीरा राइस बनाने की तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिया है, बासमती चावल है पतला वाला, और इसको खाने में ना जब ये खाएंगे तो मतलब मुंह में गड़ेगा, इतना पतला होता है। और यहाँ पे मैंने लिया है जीरा, तेज पत्ता और काली मिर्ची, लौंग, इलायची, ये सब मैंने डाला था। और इसमें बिना प्याज भी डाल सकते हैं, तो मैंने प्याज नहीं लिया है, प्याज वाला अच्छा नहीं लगता है हम लोग को, तो प्याज नहीं लिए हैं। अब इस चावल को ना धो के 10-15 मिनट छोड़ दिए थे, आधा घंटा, मतलब आधा घंटा नहीं, वही 15-20 मिनट। और इसको ना बनाने से पहले इसको धो के रख देंगे ना, जब तक इसका मतलब तैयारी व्यारी करेंगे तब तक 15-20 मिनट हो ही जाता है। तो मैं यहाँ पे रख धो के रख दिए थे, और इसमें रख दे के और चला देंगे, थोड़ी देर भूनेंगे इसको तेल में। ये रिफाइन तेल ही में ही भूनिएगा, सरसों का तेल में नहीं। सरसों का तेल में ना, सरसों का तेल में तो महक होता है ना, तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, रिफाइंड मतलब अच्छा होता है। रिफाइन या घी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मतलब बन रहा है, इसको चला लेंगे, भूनते रहेंगे तेल में। तो बहुत दिन के बाद में बना, ये कुकर ना, कुकर मेरा नया है एकदम, मैं पहली बार बना रही हूँ कुकर में। तो इस कुकर में ना कुछ बन जाकर कोई भी बर्तन लेते हैं, सबसे पहले तो उसमें मीठा बनाना होता है। तो कुकर में क्या मीठा बना सकते हैं, मीठा तो कुछ मतलब खीर उर बना सकते हैं, लेकिन अभी खीर का कोई खाता नहीं है। तो मैं सबसे पहले मैं कुकर में बना रही हूँ, बस यही चावल का कल ही आया है कुकर, ऑनलाइन मंगाई थी अमेजोन से। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने भून लिया है, पानी डाल दूँगी, ये मैंने पानी डाल दिया है। पानी इतना डालेंगे ना जितना चावल डालें उससे दोगुना मतलब पानी डालना होता है। जैसे एक गिलास चावल है तो आपको 2 गिलास पानी डालना पड़ेगा, तो 2 गुना मैंने 2 गिलास चावल लिया था। तो मैंने नाप के नहीं डाला हूँ, बता रही हूँ, अगर आपको अंदाजा नहीं, मैं अंदाज से ही डाल दी हूँ, मुझे अंदाज है इसका। तो मैंने डाल दिया है, नमक डाल दूँगी, इसको 2 सीटी आने तक पकाऊँगी, 2 सीटी में पक जाता है। और यहाँ पे मैं आयुष के बन लिए बना रही थी गाड़ी, उसको स्पेशल गाड़ी है ये, दवाई का जो कवर है ना, तो मैं इसको दवाई के कवर को एक साइड से चाकू से काट दी हूँ, उसके बाद सुई धागा से इसको मतलब सी देंगे और डोरी लगा देंगे, मतलब धागा का ही कोई भी चीज़ का डोरी लगा देंगे। और ये इसमें ना मिट्टी भर भर के, वो अपना गाड़ी पर मिट्टी भर भर के और खेलेगा ऐसे ही। बहुत ज़िद कर रहा था, रो रहा था कि मुझे गाड़ी बना दो, किसी को बच्चे से वो देखा है किसी को, तो इसीलिए जिद कर रहा था, तो मैं इसको बना रही थी। और मैं आगे ना वीडियो में आप लोग को एक वीडियो दिखाऊंगी जिससे आपको होश उड़ जाएगा। एक मतलब एक लेडीज़ को ना मार के और फेंक दिया है पोखरी में। मैंने कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले मैंने डाला था बाढ़ पोखर का वीडियो, जिसमें मैं सावन के मतलब पूजा करने जाती हूँ, मैं दिखाई हूँ कि मैं पूजा करने जा रही हूँ बाढ़ पोखर। उसी पोखर में बहुत बड़ा पोखर है, और उसी पोखर में ना मतलब एक लेडीज़ को मार के और फेंक दिया, गला काट दिया उसका। और पता नहीं कैसे, और किस गांव का है ना पता है, नहीं चला कि कौन सा गांव का है। सब बहुत लोग आया था, बहुत लोग देखा, किसी को नहीं पता चला कि कौन गांव का है। तो उसको मैं दिखाती हूँ अभी। यहाँ पे देखिए मेरा भात, मतलब वही चावल बन के तैयार हो चुका है, बहुत अच्छा लगा था खाने में। इसके साथ दाल सब्जी ये सब मतलब लगा लूँगी खाना। और हाँ, उसी औरत के बारे में बात कर रही थी मैं, तो पता नहीं कोई कहता है कि उसको मतलब सास ससुर मतलब मार के फेंक दिया है, कोई कहता है उसका हस्बैंड पति मार के फेंक दिया, पता नहीं क्या मामला है। लेकिन अभी इसके जितना भी गांव का एरिया है ना, इसमें तो मतलब किसी कोई नहीं है, ज़्यादा दूर का है, कोई दूर से आकर फेंका है। और ये पुलिस का मामला हो गया था, टीवी न्यूज सब में आ गया था, तो उसको पुलिस सभी मतलब निकाला, और पुलिस के कर्मचारी सब ये सब लोग सब निकाला है, और वो सब डाला था, मतलब वो सब ले गया, पोस्टमार्टम साउंड कराया, और क्या हुआ पता नहीं। अब उसको फैमिली को पता चला या नहीं चला, वो तो दूसरे गांव का था, हम लोग के गांव से 10 मिनट की मतलब पैदल 10 मिनट की रास्ता, और गाड़ी से 1-2 मिनट लगेगा मोटरसाइकिल से। तो इसलिए हम लोग का ना सब लोग चल गया था, मेरे गांव का सब लोग चल गया था देखने
कि कहाँ की है नहीं है। तो ऐसे मतलब देखते नहीं कि गांव में मतलब औरत कुछ होता है तो औरत लोग चल जाती है, तो ऐसे सब लोग चल गया था। तो मुझे मुझे किसी ने वीडियो भेज दिया तो मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो मैंने भी तो वीडियो में ही देखी हूँ तो शेर को, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एक आदमी इंसान को मतलब मार को फेंक देता है कहीं पे। पता नहीं आजकल दुनिया कितना ख़राब हो चुका है। और हम लोग के गाँव में ना मतलब गांव में क्या इस शहर में मतलब कितना मतलब इस बीच में ना कितना आदमी को गोली से मतलब मार दिया है। अपना ही ऐसा करता है, दूसरे से ज़्यादा अपना ही अरे भाई है। बहुत पुराना लगा गर्दन काटा था। और यहाँ पे देश निकाल रहे हैं सब, ये सब पुलिस का ही आदमी है ये सब। तो ये देख सकते हैं इसको गला काट दिया है। तो चलिए मैं मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।